अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फैज़ रज़ा यूट्यूब चैनल में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लड़का और लड़की की जल्द शादी के लिए बेहतरीन वजीफा। दोस्तों, आज की वीडियो उन माँ बाप के लिए बहुत ही जरूरी है जिनके बच्चों की शादी की उम्र निकलती जा रही है और इसी टेंशन में वो परेशान रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन वजीफा है ये, और मैं ये कहूंगा कि ये शादी का अब तक का सबसे बेहतरीन अमल है। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, स्किप बिल्कुल ना करें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। वजीफे को लड़का लड़की खुद करना चाहे तो बेहतर है, वरना घर का कोई भी शख्स इस अमल को कर सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से एक जरूरी बात कहना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा। प्यारे नबी ने फरमाया कि अपने बच्चों की शादी जल्द करो। हजरत अली का फरमान है कि भूख इंसान को जिना की तरफ ले जाती है। लेकिन दोस्तों, हम सबने तो करियर के नाम पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान को भुला ही दिया है, हुजूर की सुन्नतों को भी हमने भुला दिया है। क्या आपको पता है कि हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जो कि जन्नत की औरतों की सरदार है, आपका निकाह महज 12 साल की उम्र में हो गया था। क्या उनसे अच्छा करियर किसी और का हो सकता है? फिर क्यों हम इन करियर के नाम पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान को ठुकरा रहे हैं? और याद रखें दोस्तों, जब भी कोई बालिग लड़का लड़की जो कि गैर शादीशुदा है जिना करते हैं तो सजा के हकदार माँ बाप भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने वक्त पर अपना फर्ज अदा नहीं किया। तो दोस्तों, अपने बच्चों की शादियां जल्द करें, हुजूर के फरमान पर अमल करें। आज हम आपको बताएंगे अपने बच्चों की शादी का बेहतरीन वजीफा। दोस्तों, इस वजीफे को लड़का लड़की खुद भी कर सकते हैं और घर वाले भी कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए दोस्तों, इस वजीफे में आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले 3 मर्तबा आपको दुरूद पाक पढ़ना है। जो भी दुरूद पाक आपको याद हो वो पढ़ लें। अगर दुरूद इब्राहिम याद है तो वही पढ़े। इसके बाद 3 बार सूरह यासीन पढ़े। उसके बाद सूरह यासीन पढ़ने के बाद या अल्लाह या फत्ताहू या अल्लाहू या फत्ताहू, इन दोनों को मिलाकर 303 बार आपको पढ़ना है। आखिर में 3 मर्तबा दुरूद पाक फिर से पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। बस इतना ही अमल आपको करना है। अमल करके अल्लाह तबारक व तआला से हाथ उठाकर दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ जल्द कबूल होगी। ये वजीफा आपको 11 दिन तक लगातार करना है, बीच में गैप नहीं करना। अब आपको लग रहा होगा कि किस वक्त में वजीफा आपको करना है, तो दोस्तों हम आपको बता दें, वजीफा आपको इशा की नमाज पढ़ने के बाद करना है और अल्लाह तबारक व ताला से रो रो कर दुआ करनी है। आपकी दुआ खाली नहीं जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अगर नमाज मस्जिद में पढ़ रहे हैं तो बेहतर है वहीं पर बैठकर ये वजीफा कर ले, वरना आप घर आकर भी कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जब भी वजीफा करें, बावजू होकर करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ जल्द कबूल होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और अपने करीबी लोगों में शेयर भी कर दें। कल हम फिर से हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना।